ये सब देखकर तुम लोगों को क्या लगता है? ये कॉइन 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और ये लालटेन उससे भी ज्यादा पुराना है। इस पर लिखा है 1783। वाओ। एंड द मोस्ट ओल्डेस्ट थिंग इज दिस रिंग, राय सिंह और 1763। कैसी रही? अबे तूने रिंग ढूंढी है, बनाई तो नहीं है ना, तो इतना खुश क्यों हो रहा है? क्यों क्यों मैं खुश नहीं होऊंगा? हाँ क्यों भैया, ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है। तुम लोगों ने ढूंढ लिया ऋतु और बाकी लोगों को? संजू पता है इसे, हमने ऋतु और पार्थ को नहीं देखा क्या? अच्छा देखा था। हाँ तो वो लोग है कहाँ? वो लोग ऊंट की गाड़ी में बैठे थे। ऊंट की गाड़ी? अरे मैं तो भूल ही गया कि हम लोगों को उनको फॉलो करना है। चल। एक मिनट रिलैक्स। अरे गाड़ी भाग सकती है, उसके टायर के निशान नहीं, हमें आराम से पता लग जाएगा कि वो लोग कहाँ हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था। और हाँ मुझे ये बताओ, ये चीजें यहाँ रहने का मतलब क्या हो सकता है? कि हम लोग एक म्यूजियम में हैं। शट अप स्टूपिड, अपने आजू बाजू में देखो, तुम्हें ये म्यूजियम लगता है? ये तो कोई मामूली घर लग रहा है। अच्छा तो तू ही बता कि तुझे क्या लगता है कि हम लोग कहाँ हैं? फैसला मामा जी का है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और भी काम है मुझे। ये बच्चे अपने क्या काम आ सकते हैं? क्या काम, क्या काम आ सकते हैं? अच्छा बच्चों ये बताओ कि तुम में से मेरी अब कौन बचा? मैं नहीं मानना चाहता। तो ये बताओ कि वो लड़का जिसके पास लंबी सी कलम है वो कहाँ है? बताओ। अंकल कलम में पेंसिल है। हाँ अंकल, और हम आपको कितनी बार बताएं कि हम संजू के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, कि वो कहाँ है? अंकल हम तो संजू को घर ले जा रहे थे। हाँ वो चेन्नई जा रहा ना? क्या ये संजू चेन्नई, क्या ये सब? अंकल आपको चेन्नई नहीं मालूम? आप जरूर टीटो की तरह ज्योग्राफी में फेल हुए होंगे। चुप, पता नहीं किस जवाब में बात करते हैं। सीधे बताओ कि वो लड़का कहाँ है और वो जादुई कलम कहाँ है, वरना पता नहीं अब मेरे कितने उम्र बाकी है। मेरे जाने के बाद सायकोरा का ध्यान रख लो, उसे कोई नहीं हो। ना था ऐसा मत कहिए, अभी तो बहुत आपकी लंबी उम्र बाकी है। दादा बेटा साय आओ, अब तुम जान सकते हो। दादा मैंने हमारे मंत्री बगौर को भेजा था पता करने के लिए कि उस रात जो आग और धमाका हुआ था वो सब क्या था। तो उसने कुछ देखा? हाँ कुछ देखा तो है पर अब तक बता नहीं पाया। क्यों? शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वो बहुत डरा हुआ है और बहुत थका हुआ भी है, पर फिर भी उसने कुछ कहा, जैसे कुछ बच्चे अजीब कपड़ों में आसमान में आग का गोला, और हाँ उसने मामा जी का भी नाम लिया। ओ, तो उन्हीं लोगों को बुलाकर पूछ लेते हैं। ना था उनसे मत पूछिए। क्यों?
तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो भी हमारे ही लोग हैं, और फिर मामा जी तो बहुत बड़े जादूगर भी हैं। इस बात का तो डर है। हाँ? कुछ कहा तुमने मुझे? हम जानते हैं दादा कि आप सबको अच्छा समझते हैं, लेकिन हाथ की पांच उंगलियां भी एक बराबर नहीं होती। कल जो कुछ भी हुआ, हमने जो कुछ भी देखा, उसके बारे में मामा जी और राय सिंह जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ था दादा, वो दोनों मिलकर कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, जो मैं बता तो नहीं सकती कि क्या है, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। मैं कहाँ हूँ, हम सब कहाँ हैं, और इस जगह कहाँ है? सोच संजू, सोच सोच सोच। और तुम लोग भी सोचने में मेरी मदद करो। नहीं नहीं, तू लग रहे बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सेलेंट। अरे संजू, अगर इसी तरह जोर जोर से चिल्लाने से जवाब मिल जाता ना, तो हर बार एग्जाम में मैं ही फर्स्ट आता, क्योंकि सारे के सारे पेपर्स में ऐसे ही लर्न करता हूँ। हाँ, और हमेशा फेल होते होते बच जाता है। प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। अब तक टीटो ने जो भी चीजें ढूंढी है वो सारी 200 साल पुरानी चीजें है। अरे पता है यार, कितनी बार बोलेगा। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, कुछ देर पहले हम लोग मुंबई में थे, दिन का समय था, और अब अचानक से सब कुछ चेंज हो गया मैजिक की तरह, और हम यहाँ आकर पहुंच गए, और हमें ऐसी चीज मिली है जो हमने आज तक कभी नहीं देखी। संजू, तो क्या बोल रहे हैं? यही तो खुद समझ में नहीं आ रहा। अरे बाबा, हम लोग हमारे समय में नहीं है। What? मतलब हम पास्ट में, हमारे समय से पीछे, हिस्ट्री में। अगर आपने मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। हाँ। फिर अजीब जबान में बोली। अजीब जबान? What do you mean by अजीब जबान? हम सब ऐसे ही बोलते हैं। और आप हमें इतनी देर से हैरेस क्यों कर रहे हैं? एक तो हमें यहाँ धोखे से लाया गया, ऊपर से हमें पूरे जबान में वो गंदा सूखा ब्रेड खिलाया। हमारे यहाँ पे मेहमानों को ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पे मेहमानों को बटर ब्रेड, आइसक्रीम और पेस्ट्री, चॉकलेट और पिज्जा भी खिलाया जाता है। पिज्जा? मुझे बहुत भूख लगी है। राज सिंह गौर के मामा जी कहते हैं चुप हो जाओ। आपके कोई बच्चे नहीं है क्या? आप बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं? हमारे पेरेंट्स तो हमें बहुत प्यार करते हैं। आए, मुझे मेरे आए मामा चाहिए। मुझे मेरे मामा चाहिए। ओहो, तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ हो? नहीं पता, लेकिन आप मुझे घर जाने दो। चुप! मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इस वक्त कहाँ पे हो। तुम 1700 1790? You mean to say? हम लोग पास्ट में? और संजना, देखो बेटी, संजना को इतना बुरा कहना ठीक नहीं है, आखिर वो भी हमारे ही खानदान से है। ना था, वो हमारे राज घराने का हिस्सा नहीं है। फिर भी वो रिश्ते में तुम्हारा भाई लगता है, पूरा ना सही, आधा ही सही। वो आधा क्या, वो तो चुटकी भर भी मेरा भाई कहलाने के लायक नहीं है। मैं महसूस कर सकती हूँ जो उसके अंदर का छिपा हुआ शैतान है उसे।
मंत्री बनकर खुश नहीं है? वो तो इस राज सिंघौर का राजा बनना चाहता है। ठटने दिमाग से काम ले भी नहीं। वो इस तरह के सपने देखने वाला आदमी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि इस तरह के सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। इस जमीन पर सैकड़ों सालों से राय सिंह खानदान के लोग ही राज करते आए हैं, और राय सिंह के खानदान के लोग ज़्यादा से मंत्री पद पर ही रहते आए हैं, इसे वो अच्छी तरीके से जानता है। वो जानता है, लेकिन वो मानता नहीं। उसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश पनप रही है, जिसमें मामा जी भी उसके साथ हैं। हम जानते हैं कि हम ये साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं, और जो हम महसूस कर रहे हैं वो गलत नहीं है। संजू हाथ में आएगा, संजू हाथ में नहीं आएगा, संजू हाथ में आएगा, संजू हाथ में नहीं आएगा। बॉस, 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 देखो, देखो आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। आइए, 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 ये देखिए बॉस। संजू मिल गया? नहीं बॉस। पेंसिल मिल गई? अरे नहीं बॉस। तो फिर ये दो कौन है? ये लोग मिल गए, ये कुली साहब है और ये पायलट साहब है। इनको मैं रेलवे स्टेशन से उठा के लाया हूँ, इनको एयरपोर्ट से उठा के लाया हूँ। लेकिन क्यों उठा के लाए हैं? आपने कहा था ना, इसलिए। चलो बोलो बोलो बोलो। क्या बोलूं? अरे वही जो स्टेशन पे बोल रहे थे आप। अच्छा वो बात, बेग का 10 रुपया, थैले का 15 रुपया, दो नंग का 25 रुपया, बोलो उठाओ क्या। अरे ये क्या बोल रहा है, उठाओ क्या, क्या बोल रहा है ये? नहीं नहीं बॉस, फिकर नॉट, फिकर नॉट। अबे ओए कुलीगिरी करना बंद कर, और वो बोलना जो स्टेशन पे बोल रहा था। अच्छा वो चेन्नई की गाड़ी 12 घंटा लेट है, बोलो उठाओ क्या। ये बार बार में उठाने की क्या बात करता है? छोड़िए इसको, छोड़िए बॉस, अब एक धक्कन के दूंगा ना। तू बता, बता, तू बता। वेलकम टू फ्लाइट नंबर 008। इस वक्त हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। हमारे बाएं ओर भारत की मशहूर चिहार जेल। बंद कर ये तेरा अनाउंसमेंट। जेल, बहुत हो गया जेल, अब मुझे और जेल नहीं जाना और ना ही सुनना है। मेरे पूरे बदन में कपकपी उठती है। अबे मोटे, ये दो कार्टून्स को तू कहाँ के लिए उठा के लाया है? अरे बंद करना तेरा अनाउंसमेंट करना, और वो बता जो तू एयरपोर्ट पे बोल रहा था। चेन्नई के लिए आज कोई भी फ्लाइट नहीं जा रही, और ये मुझे यहाँ उठा के ले आए। चेन्नई के लिए कोई ट्रेन नहीं जा रही, चेन्नई के लिए कोई फ्लाइट नहीं जा रही, मतलब संजू आज चेन्नई नहीं गया है। वो होगा तो अपने घर पे होगा। मोटे सीजे संजू के घर चले जाओ। गुड आइडिया बॉस। और हाँ, इन दो चिरकुटों को भी ले जाओ, मेरे सर पे मत खड़े रहे, ठीक है? इनको अपने अपने घर पे पटक देना। चलो मेरे भाइयों, आपको अपने अपने घर पर छोड़ देता हूँ, चलो निकलो यहाँ से। जय राम जी की। जय राम जी। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे टाइगर मत बनाना, और अगर टाइगर बनाना भी तो ऐसा मोटा मत देना जिसकी अकल ना घुटने में ना अपने एड़ियों में है, बेअकल कहीं का। संजू हाथ में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। संजना, संजना, उठ संजना, संजना। आप प्लीज हमें बेवकूफ मत बनाइए, आप प्लीज हमें सच्चाई बता दीजिए कि हम कहां से आए, हमारा घर कहां है, हम यहाँ कैसे आए, प्लीज हमें बता दीजिए। नादान लड़की, राज सिंघौर के मामा जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, एक एक शब्द सच है। ये जाल 1790 है, और तुम लोग जहाँ से आए हो वो जगह यहाँ से जो 200 मील दूर नहीं, जो 200 जाल दूर है। पर हम यहाँ आए कैसे? मामा जी ने अपनी जादुई ताकत से तुम सबको यहाँ खींच लिया है। अगर आप इतने महान जादूगर हैं, तो आप हमें वापस भेज भी सकते हो? हाँ भेज सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। पर क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तुम लोग राय सिंघौर के मामा जी की जादुई ताकत का जीता जागता सबूत हो, तो तुम्हें वापस कैसे भेज सकता हूँ?
जब तक वो लड़का मिल नहीं जाता और जादू की कलम नहीं मिल जाती, तब तक ये हमारे काम आ सकती है। जाओ ले जाओ जब को, और जब से गहरे तहखाने में बंद कर दो। साबित कर सकते कि राज सिंह जी और मामा जी वैसे अच्छे लोग नहीं जैसे वो समझते हैं। मामा जी अपनी जादुई शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने हमारे वफादार धनी और गुलाब को इस राज्य से बाहर निकलवा दिया। काश जब लोग हमारे साथ होते तो हम मामा जी के काले करतूतों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते। आप ठीक कह रही हैं जाहिर रानी। जाहिरानी वकार तुम माफ कीजिए, बिना पूछे अंदर चला आया। इज मंत्री को माफ करें। कोई बात नहीं, तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? तुमने तो मुझे हर बुराई से बचाया है, तुम तो मेरे पिता समान हो। आपने मुझे इज्जत दी, मैं आपका आभारी हूँ। बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वही तो हम सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं। आपको हमारा एक काम करना होगा। आपके सिवाय कोई और कर भी नहीं सकता, क्योंकि हम किसी और पर यकीन नहीं करते। आपको धनी और गुलाब को ढूंढना होगा और उन्हें ये देना होगा। जब वो ये लिखा हुआ दिखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। समझो, आपका काम हो गया, मुझे इजाजत दीजिए। याद है कुछ दिन पहले मुझे चक्कर आते थे, अजीब अजीब चीजें दिखाई देते थे, याद है? अरे बिल्कुल याद है, तूने तो हमें परेशान कर दिया था। और हम लोग ये कह रहे थे कि ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। और मैं ये कहता था कि ये स्ट्रेस की वजह से नहीं है, और मैं सच कहता था, क्योंकि जो चीजें मुझे दिखाई देती थी, यानी रेगिस्तान, वो किला, पुरानी चीजें जैसे लालटेन, सिक्के, कपड़े, ये तलवार और वो राजकुमारी, तुम लोग बताओ मुझे वो चीजें क्यों दिखाई देती थी? शायद कोई सपना। सपना नहीं, रियलिटी। इधर उधर देखो, यहाँ वो सारी चीजें जो मुझे अपने फ्लैशेस में दिखाई देती थी। एक एक चीज है यहाँ पर, और एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। नहीं, एक चीज को छोड़कर। एक चीज को छोड़कर क्या? जो फिल्म का ट्रेलर तूने देखा, वो पूरी फिल्म हमारे साथ शुरू हो गई, अब बाकी क्या रह गया? हाँ, ये तलवार, कपड़े, सिक्के, लालटेन। हाँ, रेगिस्तान, ऊंट, सब कुछ तो हो गया। हाँ, वो राजकुमारी जो अब तक हमें दिखे नहीं है, जो हमेशा से मुझे कुछ कहना चाहती है, जो अब तक हमारे सामने नहीं आई है, एक बार सामने आ जाए। एक बार। शकलाका बूम बूम, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।